चलते हैं। नोजले के नए दो गाने आए हैं। दूसरों का मेकअप यूज करते हैं ना फिर ऐसे कुछ होता है। दिखाना सर रखने में दिखाओ मैं कैसी लग रही हूँ। आपको पता चल ही गया टाइटल थंबनेल से मैं कहीं जा रही हूँ और मेकअप वेकअप जो मैं करूँगी अभी थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ। फिलहाल तो जो है मैं उठने लगी थी, ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं और मैंने निकलना है कुछ साढ़े बारह बजे तक। मेरे साथ जा रही है साक्षी की, मतलब जो मेरी फ्रेंड है जिसके बेटे का बर्थडे है, उसकी बहन जा रही है और उसका भाई जा रहा है। मतलब हम बस में ही जा रहे हैं आरएस पूरा, क्योंकि हमारे पास कोई है नहीं साधन जो हमको छोड़ गया है वहाँ तक, तो हम बस में ही जाएंगे। और मौसम इतना अच्छा हो गया कि बस में जाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, कोई गर्मी वर्मी नहीं लगेगी। और आरएस पूरा वैसे मैं पहली बार जा रही हूँ, मैं कभी गई नहीं हूँ आरएस पूरा। उसकी शादी पे गई थी बट ऐसे कभी उसके घर पे नहीं गई, तो आज पहली बार मैं उसके घर पे भी जा रही हूँ। और बाकी चलो करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। माता रानी का नाम लेके जय माता दी, चलो आरएस पूरा चलते हैं। मैंने सोचा था कि मैं अपनी बहन की शादी पे ये डाल लूंगी, पर अब चलो फंक्शन एक पहले ही आ गया तो उसी में डाल लेते हैं। ये घाघरा सा अनारकली सूट था, मुझे आजकल अनारकली सूट बड़े पसंद है तो मैं खरीदती रहती हूँ इसको। अभी मुझे जाना था बाहर तो मैंने सोचा आपके साथ साथ बातें करते करते तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी ये मामा अर्थ की सनस्क्रीन, इसको लगाए बिना मैं बाहर जाती नहीं हूँ। लाइट वेट भी है, स्किन को भी ग्लो करती है। इसको लगाने के बाद मुझे लगता नहीं है कि मुझे कुछ और लगाने की ज़रूरत है, बट मुझे किसी फंक्शन में जाना है तो मैं थोड़ा सा मेकअप करके जाऊँगी। मामा अर्थ का प्राइमर, मुझे फाउंडेशन लगानी है तो मैं प्राइमर भी पहले लगा ही लेते हैं। ये प्राइमर में जो विटामिन सी के साथ साथ टर्मरिक भी है और ये हमारे जितने भी पोर्स हैं सबको ब्लर कर देता है। तो अब मैं यूज़ करने वाली हूँ ये मामा अर्थ की फाउंडेशन। काफ़ी सारे शेड्स हैं बट पर्सनली फेवरेट जो मेरा है वो ये है न्यूड ग्लो। इतना ज़्यादा लाइट वेट है और इतने परफेक्टली ब्लेंड हो जाएगा ना कि लगता ही नहीं है कि आपने फेस पे कुछ लगाया भी है। और ये 24 आवर लॉन्ग लास्टिंग है, इसमें विटामिन सी भी है और टर्मरिक भी है, वहीं मेरी स्किन को जो है वो ब्राइट बनाते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगी और कूपन कोड आप मेरा यूज़ कर सकते हो जिससे आपको 20% ऑफ मिलेगा और कूपन कोड आपको मेरी स्क्रीन में दिख रहा होगा। और साथ में ये प्रोडक्ट अमेजोन, पर्पल, फ्लिपकार्ट, नाइका में अवेलेबल है और इनकी पर्सनल वेबसाइट में ही आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो। चाहे कितने परफेक्टली ब्लेंड हो गया, मुझे तो ये पर्सनली बहुत पसंद है। मैं आपको और भी शेड्स दिखाती हूँ। आइवरी ग्लो, क्रीमी ग्लो, सन ग्लो, बैगी ग्लो, कैरेमल ग्लो। तो मामा जो है वो आपको सुनता है, आप जैसे ही उनको फीडबैक दोगे तो आप भी सुनेंगे भी। आपके फीडबैक के बेसिस पे ही उन्होंने अपना जो है ओनियन शैम्पू को भी इम्प्रूव किया था। डाल लिया यार मैंने सूट, दिखाती हूँ थोड़ी देर में फुल करना है। लिपस्टिक लगाऊंगी और मस्कारा वगैरह लगाते हैं। हो गई यार वैसे, यार वैसे मुझे कोई हेयर स्टाइल बनाना नहीं आ रहा था तो मैंने यही सब बना लिया। मैंने बाल भी नहीं धोए थे, नहीं तो मैं खुले ही छोड़ देती। मतलब आधे तो खुले छोड़े हैं बट आधे में मैंने जूड़ा बनाया ऐसे करके। अब पता नहीं आपको दिख रहा नहीं दिख रहा। और क्या बोलते हैं, बस अब थोड़ी देर में निकलूंगी। मम्मी ने बोला लस्सी पी ले, मैंने सोचा लस्सी पी के चल जाती हूँ। बाकी मस्त लगी वीडियो बनाने, एक दो वीडियो बनाई लिखते हुए सूट डाला है। तो करण औजले के नए दो गाने आए हैं। ये ऐसा सूट डाला है, आपको दिखाती हूँ। ये अनारकली सूट मैंने डाला हुआ है और अब मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना कि मेरे मुँह में पसीना दिखा रहा है हर जगह। अब मैं सोच रही हूँ बस में जाऊँगी तो मैं तो पसीना पसीना हो जाऊँगी। तो चलो फिर निकलते हैं। पूनम का फ़ोन भी आ गया था, उसने जाना मेरे साथ। बाहर तो मौसम ठंडा है पर घुमा हो रखा है यार बहुत ज़्यादा। ये पहले तैयार, बाय बाय काका, बाय बाय। हो गया तैयार, इसने डाला ये वाला सूट। पहले मुझे पता हो तो मैंने भी ऐसे ही सूट डाल लेना था। तो यार आप पूछ लेते ना देखो। मेरे को अजीब लग जा रहा है, अंशु मेरे को कल से पहुंच जाएगा उसने शादी वाला सूट डाला है। नहीं हट गई यार, ये देखो जम्मू की मेटाडोर, यहाँ से हम जाएंगे बस स्टैंड। हट गई यार, वो चश्मा इतना गंदा लग रहा है, पसीना देखना कितना आ रखा है मेरे को। और अभी हम जाएंगे विक्रम चौक तक, फिर वहाँ से बस लेंगे उसके घर के लिए। पहुँच गई यार विक्रम चौक, चलो मिल गई हमको बस। मौसम अच्छा आ रखा है आज। बैठ गई यार बस में, हालत खराब हो गया, सोच रहे इतना ज़्यादा बाल खुले के छोड़ के आई थी, बांध के आ रहा था इससे घर पे करते थे जो करना था। तो बांध तो कौन मना कर रहा है, ये ज्यादा बकवास करती है, ये इसको स्पॉट करनी है। बड़ों से कैसे बात करते, छोटों से कैसे बात करते हैं। अभी बस यहाँ से एक घंटा लगेगा उसके घर जाने में। मुझे दिखाओ मैं कैसी लग रही हूँ। तो यार हमने मंगवाया अभी आलू पैटी, क्योंकि मैं घर से कुछ खा के नहीं निकली थी तो अभी यही खा के चलते हैं। यार पैटी गिर नहीं जाए तो अंकल ने ना हमको ये दिया।
कि मेरी गाड़ी गंदी नहीं करनी। हम इतना तैयार हो क्या है, इसका बर्थडे है, उसको देखो बनियान में बैठा हुआ अभी। दूसरों का मेकअप यूज करते हैं ना फिर ऐसे कुछ होता है, दिखाना सर कैसे दिखाना, ठीक लग रहा है कर लेना।